मुंबई में छठ को लेकर बीएमसी ने जारी किया दिशा निर्देश, समंदर और तालाबों के किनारे पूजा पर लगाई पाबंदी। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस का नया नोटिस, बांद्रा थाने में हाजिर होने को कहा। इनकम टैक्स विभाग ने भेजा पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान को नोटिस, चौहान बोले विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भेजे जा रहे हैं ऐसे नोटिस, दूंगा जवाब। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यलगार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव को नानावती अस्पताल में भर्ती करने की दी इजाजत, परिवार को होगी मिलने की इजाजत। एमएमआरडीए ने कांजुर मार्ग में बंद नहीं किया है मेट्रो कार शेड के निर्माण का काम, शेयर की साइट की तस्वीरें। केंद्र ने जमीन को अपना बताकर लगवा दिया था बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार कह चुकी है राज्य की है जमीन, नहीं रुकेगा काम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 100 की मौत, कुल आंकड़ा 17,57,000 के पार। पुणे में कोरोना के मामलों में 24 घंटे में दोगुने से ज्यादा का इजाफा, आज आए 384 केस, कल आए थे 163 मामले। महिंद्रा कोटक बैंक के एटीएम कैश वैन लेकर भगाए आरोपी पकड़े गए, विरार पुलिस ने बरामद किया 4 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में एक और बैंक पर संकट, आरबीआई ने ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर में टक्कर में 11 लोगों की मौत, 15 जख्मी। 227 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 44,180 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 64 अंकों की बढ़त। लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने के लिए आ गया है सिंगापुर का डीबीएस, आरबीआई ने ग्राहकों को अधिकतम 25,000 निकालने की दी है छूट। सोने ने 9 साल में सबसे ज्यादा 32% रिटर्न इस साल दिया है, 10 साल में सोने के निवेशकों को कुल 85% रिटर्न मिला। बीएसएनएल यूनियनों में लगाया सरकार पर कंपनी की 4G सर्विस में अड़ंगा डालने का आरोप, 26 नवंबर से हड़ताल पर जाने की दी धमकी। गूगल मैप्स के नए फीचर से मिलेगी पब्लिक प्लेस पर कोविड संक्रमितों की लाइव डिटेल्स, वॉइस कमांड से कॉल रिसीव रिजेक्ट भी कर पाएंगे। शाहरुख खान ने यशराज स्टूडियो में शुरू की फिल्म पठान की शूटिंग, पठान में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम। विकी कौशल ने यशराज बैनर के कॉमेडी फिल्म की शूटिंग की शुरू, साथ में है मानुषी छिल्लर। अमर खान ने बेटी ईरा के साथ सिनेमा हॉल में देखी फिल्म सूरज पे मंगल भारी, 8 महीने बाद सिनेमा हॉल में लगने वाली सूरज पे भारी मंगल पहली फिल्म है। ऋचा चड्ढा को सिनेमा में योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिया डॉक्टर बीआर अंबेडकर अवार्ड, राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीएमसी ने इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाबों में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाजत दी है, लेकिन इसे लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के चलते बीएमसी के इस फैसले से अब बीजेपी भड़क गई है। वैदिक काल से चले आ रहे इस महापूजन पर देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ब्रेक लग गया है। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों पर छठ के आयोजन पर रोक लगा दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उद्धव सरकार और बीएमसी ने ये फैसला लिया है कि मुंबई में कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का पर्व नहीं मनाया जाएगा, चाहे वो समुद्र तट हो या नदी या फिर तालाब किनारे, सभी जगह छठ पूजा पर रोक लगाई गई है। लेकिन बीजेपी इस पाबंदी को लेकर भड़की हुई है। छठ पूजा को अनुमति नकारने वाले शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका और शिवसेना का राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी कड़ा निषेध करती है। मैंने स्वयं छठ पूजा के लिए मुख्यमंत्री जी के पास बहुत समय के पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन आइन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। 25 वर्षों से लगातार हर वर्ष जुहू बीच पे जाकर के सामूहिक रूप से सार्वजनिक रूप से छठ का आयोजन करता रहा हूँ और खुद भी छठ का त्योहार करता रहा हूँ अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार जब कोरोना की महामारी और पूरी एक वैश्विक महामारी की जबरदस्त मार पड़ी है, उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ है दुनिया में, खासकर मुंबई में, तब मैंने आज एक आह्वान किया है और फैसला किया है कि मैं इस बार जुहू बीच पे नहीं जाना चाहूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि सार्वजनिक रूप से छठ पूजा का आयोजन किया जाए, क्योंकि छठ पूजा के आयोजन में
बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, और ऐसे में अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ा, संक्रमण बढ़ा, तो बिना वजह छठ पूजा को लोग बदनाम कर देंगे और ये मुंबई के लिए भी एक अच्छी बात नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी ने छठ पूजा को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अगर कोई आर्टिफिशियल झील या तालाब बनाकर छठ पूजा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पुलिस का सख्त पहरा होगा। इन आर्टिफिशियल झीलों पर मेडिकल टीम भी तैनात होगी और हर श्रद्धालु का कोरोना टेस्ट जरूरी है। त्योहार बड़े सादगी से मनाने के लिए हमने गाइडलाइन इश्यू की है, कहाँ पे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे इस प्रकार की पूजा ना हो, इस प्रकार की गाइडलाइन हमने इशू की है। पूजा जरूर होना चाहिए, लेकिन पूजा अपने अपने तरीके से अपने घर में होना चाहिए, इस प्रकार का सबने सहयोग करना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात में भी छठ पूजा पर पाबंदी लगाई गई है। यहाँ अहमदाबाद और सूरत में रहने वाले उत्तर भारतीयों के संगठनों ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के चलते नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा न मनाएं। तो इस तरह से राज्य दर राज्य छठ के महापर्व पर कोरोना का साया छाया रहेगा और छठ का त्योहार भी सुना ही जाएगा। आज तक वहीं मुंबई में कोरोना को लेकर हालात काफी काबू में हैं। कोरोना के नए मामलों में रोजाना कमी आ रही है, लेकिन प्रशासन कोई ढील देना नहीं चाहता। सरकार को अंदेशा है कि दिल्ली और यूरोप की तरह मुंबई में भी कोरोना की नई लहर आ सकती है। सरकार का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोरोना के लिए बनाए गए विशेष कोविड केयर सेंटर चलते रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली दोबारा लॉकडाउन वाले हालात में पहुंचने लगी है। मुंबई में भी कोरोना को लेकर एक वक्त में हालात बहुत खराब थे, पर फिलहाल स्थिति संभली हुई दिख रही है। काफी दिनों से मुंबई में नए मामले 1000 से कम ही आ रहे हैं। सरकार इसका श्रेय अफसरों और आम लोगों को देती है, लेकिन कम मामले होने पर भी सरकार पहले की तरह ही सजगता बरतना चाहती है। ये हमारे सारे ऑफिसर्स का काम है, सारी जनता जो मास्क पहन के घूम रही है उनकी वजह से, लेकिन अभी भी कोविड गया नहीं। लेकिन ये वेव ना कैसे आए, इसी पे हम थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, या आए भी तो भी किसी को तकलीफ ना हो, इसी पे हमारा ध्यान है। जैसे हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, जो डीसीएच है, डीसीएचसी है, ये सारे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ना करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी के इंतजार में है कि अगर वेव आए तो लोगों को जो सुविधा रहती है वो चलती रहे। लेकिन एक ही बात है कि इसके प्रिवेंशन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में टेस्टिंग भी 72% तक कम हुई है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट डरे हुए हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह ये है कि त्योहार के समय कम लोग टेस्टिंग करवाने अस्पताल पहुंचे। अंदेशा जताया जा रहा है कि त्योहार खत्म होने के कुछ दिनों के अंदर कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा हो सकता है, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए जो स्पेशल कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए थे वो बंद नहीं किए जाएंगे, भले ही इस समय उनमें बहुत कम मरीज हैं। जम्बो फैसिलिटीज की अभी जो यूटिलाइजेशन है काफी कम हो गई है, क्योंकि हमने हजार बेड्स की जब बनाई है तो भी अभी हर एक फैसिलिटी में कहीं 50 कहीं 100 लोग है। अच्छी चीज है, डॉक्टर्स को भी थोड़ा रेस्ट मिल रहा है, सारे स्टाफ को रेस्ट मिल रही है, लेकिन आगे जाके ये भरे ना कैसे, एक इसी पे प्रिवेंशन पे एक हमारा काम है, लेकिन अगर भरे भी तो ये फैसिलिटीज अभी बंद हो। नॉन कोविड कोविड दोनों तो अभी शुरू है, कोविड गया नहीं अभी तक, मुझे लगता है ये अभी भी हमारे मन में होना चाहिए। बीकेसी स्थित कोविड केयर सेंटर की क्षमता 2100 बेड की है, लेकिन इस समय यहाँ सिर्फ 352 बेड पर ही मरीज हैं। इस वक्त हम बीकेसी कोविड 19 फैसिलिटी के बाहर मौजूद है। ये मुंबई का सबसे पहला कोविड 19 फैसिलिटी था जिसे जो बनाया गया था, और इसकी जो कैपेसिटी मैं आपको बता दूं कि 2100 बेड्स की यहां पर कैपेसिटी है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल मुंबई में केसेस कम आ रहे हैं, यहां पर फिलहाल 352 बेड्स ऑक्यूपाइड है, बाकी के सारे बेड्स फिलहाल खाली है। और ऐसा ही हाल मुंबई के अलग अलग जो कोविड 19 फैसिलिटी है उसका ऐसा ही हाल है। अभी जो ऑफिशियल्स का कहना है कि कोरोना वायरस की एक और लहर आ सकती है, एक और बार जो वेव है वो मुंबई को हिट कर सकती है, फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे स्पेकुलेशन है जिसके चलते कोई भी ऐसे जो कोविड 19 फैसिलिटी जो बनाए गए हैं बीएमसी द्वारा, सरकार द्वारा, आप नेस्को एग्जीबिशन सेंटर की बात करें या एनएससीआई डोम की बात करें या अन्य जो भी जो कोविड 19 फैसिलिटी है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा।
दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के हालात की तुलना करें तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में 2867 मामले दर्ज किए गए थे, 10 नवंबर को दिल्ली में 7830 मामले आए, 11 अक्टूबर को दिल्ली में 2780 मामले आए, जबकि 11 नवंबर को नए केस की संख्या थी 8593। 12 अक्टूबर के दिन दिल्ली में 1849 मामले थे, 12 नवंबर के दिन ये आंकड़ा बढ़कर 7053 पहुंच गया, 13 अक्टूबर को दिल्ली में 3036 केस आए थे, 13 नवंबर को दिल्ली में 7802 केस आए और 14 अक्टूबर को दिल्ली में 3324 नए मामले थे, जबकि 14 नवंबर को 7340। अगर कोरोना से बचने के लिए आम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो दिल्ली की तरह मुंबई में हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। सड़कों पर आजकल खूब भीड़ देखी जा सकती है, काफी लोग बिना मास्क के भी दिख जाते हैं। मैं तो संदेश देने इतने महत्वपूर्ण नहीं हूं, लेकिन यही कि मास्क पहने और हाथ साफ रखें। मुंबई में कोरोना के केस 2,70,000 के पार हो चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या 9,800 के ऊपर है, जबकि 17 लाख लोगों का कोरोना का टेस्ट हो चुका है। कोविड केयर सेंटर के अंदर अगर बेड की बात करें तो इनमें 17,467 बेड हैं, जिनमें से कि 5,138 पर मरीज हैं और 12,329 खाली हैं। मुंबई के निजी और सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर बेड की संख्या 14,462 है, इनमें से इस समय 4,728 पर मरीज हैं, जबकि 9,734 खाली हैं। फिलहाल मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस कम है, लेकिन एक और कोरोना वायरस की लहर आ सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हम सभी को ध्यान देना होगा। घरों के बाहर मास्क पहने रखिए और अपने हाथ लगातार धोते रहिए। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।